हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोग लॉकडाउन है, तो आप जो क्लासेस हैं उसका एक टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर बना दे रहा हूँ, जैसे डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था कि स्पर गियर के रिगार्डिंग कि किस तरह से स्पर गियर में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो स्पर गियर के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्टार्टिंग मतलब देख लेते हैं, मतलब एक इंट्रो देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका पिनियन है, ये आपका गियर है और ये आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपका गियर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा बिकॉज आपके दो पेयर ऑफ टूथ एंगेज्ड है। जैसे ये जो टूथ है आपका गियर का है, ये टूथ आपका पिनियन का है। सो देखिए, जब जैसे मान लो क्योंकि आपका पिनियन ड्राइवर है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, जब पिनियन है ड्राइवर है तो ये जो टूथ है आपका पिनियन का, ये आपका फोर्स मारेगा गियर वाले टूथ का, तो क्या होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मैंने बताया था आपको ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है कॉमन नॉर्मल लाइन टू द टूथ प्रोफाइल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दोनों प्रोफाइल के नॉर्मल पे ये लाइन है, कॉमन लाइन है, ठीक है। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बताया था मैंने कि ये कौन सी लाइन है, ये आपके जो आपका गियर का पिच सर्कल है और इसका जो पिच सर्कल है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट लाइन। ओके, कॉमन टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और ये जो आपका एंगल है, ये आपका पिच एंगल है, सॉरी प्रेशर एंगल है, पिच एंगल नहीं, प्रेशर एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो फोर्स, क्योंकि ये आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब ओवरऑल फोर्स ये पड़ रहा है, इसे कंपोनेंट्स बनेंगे, ये जो कंपोनेंट्स होगा जो आपका पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट कर रहा है। एक्चुअली ये जो फोर्स है डायरेक्शन गलत बन गई है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये आपका जो पिनियन है वो फोर्स इस डायरेक्शन में मारेगा, तो ये डायरेक्शन ये रहेगी। अकॉर्डिंगली दिस फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इज माउंट ऑन दिस गियर, ठीक है, ये आपका पीटी बोल लीजिए या एफटी बोल लीजिए, सेम। और एक फोर्स और होगा, इसी गियर का बना रहा हूँ मैं, गियर के लिए बना रहा हूँ, ये आपका पिनियन है और ये आपका गियर है, तो पिनियन मैं गियर के लिए बना रहा हूँ अभी, जो भी फोर्स बना रहा हूँ, तो ये आपका जो फोर्स सही डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, पीटी होगा। और एक डायरेक्शन और होगा, और एक कंपोनेंट और होगा डायरेक्शन में, वो होगा पीआर, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि पी टी इक्वल्स टू, क्योंकि ये प्रेशर एंगल है अल्फा, प्रेशर एंगल है, तो क्या होगा, दिस कॉस अल्फा, एंड पी आर क्या होगा, आर साइन अल्फा, ठीक है। हमने फिर एक रिलेशन भी निकाले थे कि इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड पी आर, हमने ये निकाला था कि पी आर इक्वल्स टू पी टी टैन अल्फा, हमने रिलेशन भी निकाला था, ठीक है। तो हमारा सारा सब जो खेल होता है, सारा खेल जो होता है इसमें डिज़ाइनिंग में, वो हमारा सब खेल होता है, जो भी पावर ट्रांसमिट हो रही है वो पी टी की वजह, टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हमारा पूरी डिज़ाइन में इसी पे होगा। ये जो पी टी फोर्स है, ये पी टी फोर्स वो फोर्स है जो गियर, मतलब जैसे लेक्चर पिनियन माउंट कर रहा है गियर पे, और सेम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ सेम फोर्स, पी टी फोर्स गियर पिनियन पे लगा रहा होगा, ठीक है। सो हमारा जो पूरा खेल है इसमें, वो पी टी का खेल है, डिज़ाइन का जो भी होगा, मतलब जो भी स्ट्रेस माउंट हो रहे हैं, जो भी स्ट्रेस माउंट हो रहे हैं वो इसी पी टी की वजह से हो रहे हैं, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन हम प्रोसीड करते हैं। ओके, लेट्स सी ना, दो थिंग है इसमें, जब भी हम गेट डिज़ाइन करते हैं दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेंथ और एक हमारा स्ट्रेस। डेट मीन्स स्ट्रेंथ मीन्स जो आपके गियर हैं, गियर की जो इंटरनल स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, और जो लोड अप्लाई हो रहे हैं गियर पे, गियर टूथ पे, वो आपके स्ट्रेस हो गए, ठीक है। तो एक साइड हमारी स्ट्रेंथ होगी और एक साइड हमारा स्ट्रेस होगा। हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रेंथ निकालनी होगी कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, हमें ये भी निकालना होगा कितना उस गियर पे स्ट्रेस माउंट हो रहा है ड्यू टू द ऑपरेटिंग कंडीशंस। ओके, सो स्ट्रेस पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा स्ट्रेस है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ, तो जो हमारी जो स्ट्रेंथ है गियर की, जो स्ट्रेंथ है वो दो टाइप की स्ट्रेंथ है। पहली जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बीम स्ट्रेंथ है, जैसे आपका टूथ है, तो टूथ को हमने बताया था कि जब भी हम कंसिडरेशन करेंगे तो टूथ को हम एज अ कैंटिलीवर बीम मान के चलेंगे, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम को हमने, एक टूथ को हमने कैंटिलीवर बीम माना है, तो डैट मीन्स उसकी जो बीम स्ट्रेंथ होगी वो आपका एक वन ऑफ द स्ट्रेंथ होगा। ओके, एंड जो टूथ
जो सरफेस होगी जहाँ पर आपके वेयर जो आप जहाँ पर आपके टूथ रोल करेंगे यानी द टूथ ऑफ ओपिनियन एज वेल एज द टूथ ऑफ गेयर आपस में जो रोल करेंगे डैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग उसकी वजह से जो वहाँ पे वियरिंग होगी बिकॉज समटाइम्स हो सकता है कि शायद वहाँ पे रोलिंग ना हो सो कुछ ना कुछ आई थिंक स्लाइडिंग हो जाए तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपकी सरफेस है पेपेटिंग हो सकती है वहाँ पे पेपेटिंग की वजह से सर्फेस इरोड हो सकती है तो वहाँ पे एक वेयर स्ट्रेंथ भी आती है सो एक है आपका बीम स्ट्रेंथ एक है आपका वेयर स्ट्रेंथ ओके तो फर्दर इसमें जाते हैं पहले हम देखेंगे हाउ इज़ द बीम स्ट्रेंथ हाउ वी कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ ठीक है डिज़ाइन डेटा बुक में आपके ये फॉर्मूला बीम स्ट्रेंथ का गिवन है बीम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ अभी जिस तरह से हाँ हमने आप देखना था टेंजेंशियल फोर्स किस तरह से होता है तो बीम स्ट्रेंथ क्या होती है बीम स्ट्रेंथ इज़ नॉट अ स्ट्रेस पहली बात ये बीम स्ट्रेंथ स्ट्रेस नहीं है फोर्स है तो जो बीम स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट होती है यूनिट न्यूटन होती है इसकी यूनिट ठीक है तो जो बीम स्ट्रेंथ इज़ द मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन गियर टूथ दोबारा बोल रहा हूँ बीम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन टूथ बिफोर इट फेल ओके दिस इज द बीम स्ट्रेंथ तो बीम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लो बिकॉज ये बहुत बार आप यूज़ करोगे बट आपके डेटा बुक में ये भी गिवन है तो डेटा बुक का एक्चुअली डेटा बुक मेरे पास है नहीं बट डेटा बुक जो आप यूज़ कर रहे हो उसका एक PDF मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड पेज पर ये आपको फॉर्मूला गिवन है लेट्स सी दिस ये वाला का ये फॉर्मूला आपको सेकंड पेज गिवन है जिसमें आपको आपको सिग्मा बी है सिग्मा डी है बी है पाई है वाई है एम है अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ क्या है मैंने भी लिख रखी है तो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ आपको मैंने ये दिखाया कि यहाँ पे आपकी डेटा बुक में ये फॉर्मूला है ओके नफसी सो फर्स्ट जैसे ये आपका एम दे रखा है दिस इज़ अ प्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम बी सिग्मा बी एंड वाई सो फर्स्ट जो एम है एम इज़ मॉडुलस ओके एम इज़ मॉडुलस मॉडुलस हमने पढ़ा है गियर का स्पेसिफिकेशन होता है जिसकी यूनिट होती है मिलीमीटर एंड इसका एक फॉर्मूला भी होता है ये होता है आपका डी पी अपॉन जेड पी डी बी मीन्स पिच डायमीटर सर्कल ऑफ पिनियन एंड जेड मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन अगर हम बात करते हैं सिर्फ पिनियन की तो ये बात होगा डी पी अपॉन जेड पी अगर हम बात करें गियर की तो ये डी जी अपॉन जेड जी हो जाएगा ओके सेकेंड जो पैरामीटर है जो सेकेंड पैरामीटर है ये है आपका फेस विड्थ जो फेस विड्थ है फेस विड्थ जो आपका मैंने बताया था जो बीम है टूथ की जो बीम है उसकी जो विड्थ है यानी थिकनेस थिकनेस और जो टूथ है वो क्या होगा आपका फेस विड्थ ओके जो थर्ड टर्म आपका है दिस सिग्मा बी नाउ दिस इज़ द स्ट्रेस ये आपका स्ट्रेंथ है डेट मीन्स ये फोर्स है ये आपका स्ट्रेस है ओके नाउ इसको तीन नाम से क्वेश्चन में दे सकते हैं एक फर्स्ट हो सकता है परमिसेबल बीम स्ट्रेंथ अलाउबल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इन तीनों में से कुछ भी दे रखा होगा उस वो इसका मतलब आपका सिग्मा बी ही दे रखा है ओके अलग अलग बुक में आपका सिग्मा बी भी गिवन हो सकता है किसी किसी बुक में सिग्मा नॉट भी गिवन हो सकता है किसी किसी बुक में आपको सिग्मा ई भी गिवन हो सकता है एंड्योरेंस लिमिट के ओके तो जो भी वन ऑफ कुछ भी दे रखा होगा इनमें से यानी इसका मतलब सिंपल ये है सिग्मा बी दे रखा है इन टर्म्स ऑफ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके उसमें ओके इसकी यूनिट है आप ध्यान रखना इसकी यूनिट होगी आपकी मेगा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपका लास्ट टर्म रह गया जिस लास्ट टर्म इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर अब ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है हाँ एक चीज़ रह गई है कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो और आपको ये गिवन हो सिग्मा यू टी तो सिग्मा यू टी क्या होगा सिग्मा यू टी से आप ये निकाल सकते हैं परमिसेबल बी बेंडिंग स्ट्रेंथ ओके एट मीन सिग्मा यू टी का थ्री सिग्मा यू टी बाई थ्री आप सही ये निकल आएगा ओके ना फर्दर बढ़ते हैं फॉर्म फैक्टर इज द फर्दर प्रोडक्ट ऑफ पाए एंड लोएस्ट फॉर्म फैक्टर ये एक्चुअली फॉर्मूला डिस्कवर किया गया था बाय लुइस एंड ये फॉर्म फैक्टर आपको डेटा बुक में गिवन है एक्चुअली ये तीन सिस्टम्स के लिए होते हैं जैसे कि ये है आपको पहला सिस्टम दे रखा है 14.5 इन्वॉल्यूट सिस्टम सेकेंड दे रखा है आपको 20 डिग्री फुल डेप्थ आपको थर्ड दे रखा है 20 डिग्री स्टेप टूथ ओके जो आपको ये दे रखे हैं ये आपको फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ करना है फॉर द लोएस्ट फॉर्म फैक्टर से आप निकालोगे
फॉर्म फैक्टर, ओके, ये क्वेश्चंस हमें गिवन है, मतलब डेटा बुक में गिवन है. सो वंस यू गेट द लोएस्ट फॉर्म फैक्टर, उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे पाई में, तो आपका आ जाएगा फॉर्म फैक्टर. ओके, सो जो ये पैरामीटर है, ये सारे पैरामीटर हमने कर लिए, डैट मीन्स हम ये निकाल सकते हैं. ओके, नाउ हम देखते हैं सेकंड, व्हाट इज दिस वेयर स्ट्रेंथ. पहली बात वेयर स्ट्रेंथ, वेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जब भी आपके जो गियर्स हैं, गियर्स आपके रोल करते हैं, कभी कभी रोल ना करके, मतलब रोल करते हैं तो उसमें कभी कभी पिपेटिंग इफेक्ट आ जाता है. पिपेटिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब आपस में टकराना, मतलब वाइब्रेशन करना उसमें, तो उसकी वजह से ये पिपेटिंग इफेक्ट की वजह से जो वेयर स्ट्रेंथ है, सरफेस है उसकी, जो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर वहाँ से उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है ना. सी दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेयर स्ट्रेंथ, ये भी आपके डेटा बुक में गिवन है, डेटा बुक में गिवन है, लेट मी सी वेयर इट इज. दिस इज द वेयर स्ट्रेंथ फॉर्मूला, जो आपके उसमें दे रखा है, लिमिटिंग लोड फॉर वेयर, ओके, DPBQK. ये सेम यहाँ पे अभी जो बी आपका है, एक सेकेंड, बी आपका भी यहाँ पे फेयर्स विड्थ है, एंड सेम जो फेयर्स विड्थ वहाँ था सेम है. क्यू इज़ द रेशियन फैक्टर, क्यू इज़ द रेशियन फैक्टर, जो फॉर्मूला इसमें होता है रेशियन फैक्टर का, वो होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गेयर अपॉन द सम ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गेयर प्लस नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. सेम चीज़ अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आपको उसको डायमीटर के टर्म्स में ले सकते हो, ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ गेयर अपॉन अपॉन डायमीटर ऑफ गेयर प्लस डायमीटर ऑफ पिनियन. ओके, देन फर्दर डी पी इज़ द डायमीटर ऑफ पिनियन. ओके, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, डी पी होता है डायरेक्टली डायमीटर ऑफ पिनियन. के जो होता है, के आपका है लोड स्ट्रेस फैक्टर. के क्या है, लोड स्ट्रेस फैक्टर है. के वो कैसे एवेल्यूट करना है, के का सिर्फ यही फॉर्मूला है जो आपके कोर्स में है. ओके, एक सेकेंडरी फॉर्मूला होता है जिसमें आपको दे रखा होता है कंप्रेसिव वेयर स्ट्रेंथ. तो कंप्रेसिव वेयर स्ट्रेंथ आपको कभी भी गिवन नहीं होगा, आपको सिर्फ आपको सरफेस एंड्रेंस स्ट्रेंथ गिवन होगा, तब हम ये यूज़ करेंगे. ओके, सो दिस इज सिग्मा, दिस सिग्मा ई डब्ल्यू, ये क्या होता है आपका सरफेस एंड्रेंस वेयर स्ट्रेंथ. ओके, इसका स्क्वायर है, देन 1.4 है, साइन अल्फा है, डेट मीन्स अल्फा आपका क्या है, प्रेशर एंगल है, एंड ई वन ई टू एक्चुअली ई पी प्लस ई जी है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ गियर एंड पिनियन. ओके, नाउ वन सेकेंड, एक चीज़ और इसमें है, लेट्स सपोज कि अगर आपको ये गिवन है कि मतलब जो दोनों गियर्स हैं वो सेम स्टील के बने हुए हैं, अगर दोनों गियर्स सेम स्टील के बने हुए हैं तो आप लोड स्ट्रेस फैक्टर का फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ 1.16 इंटू BHN का होल स्क्वायर बाय 100. BHN जो होता है आपका हार्डनेस नंबर होता है, ये आपको डेटा बुक में गिवन होगा, डेटा बुक में आपको, अगर आपको स्टील गिवन है वहाँ पे तो डेटा बुक में आपको ये गिवन होगा, तो वहाँ से आप इसको देख के यूज़ कर सकते हो. लेट्स सी ये आपको फॉर्मूले कहाँ कहाँ गिवन है, ये देखिए, ये आपको फॉर्मूला ये गिवन था, तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये सेम फॉर्मूला EG and EP, एंड ये एक्चुअली यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ये रेशन फैक्टर है, ये फॉर्मूला रेशन फैक्टर का है. एंड जो मैं बता रहा था आपको K1s, उसमें फॉर्मूला एक्चुअली ये वाला गिवन नहीं है, अलग गिवन है आपको, बट ये वाला यूज़ करना है, और द इफ़ बोथ द पिनियन एंड गियर मेड अप ऑफ स्टील. ओके, जो इन नोट्स का है, मैं इस नोट का PDF आपको सेंड कर दूंगा, बट आप अभी जो है थोड़ा समझने की कोशिश करो. हालांकि जो वीडियो है काफ़ी वाइब्रेट कर रही होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैनुअली हैंड से इसको पकड़ रहा हूँ. ओके.